बच्चों नमस्ते। बच्चों, आप लोगों को घूमना फिरना, पिकनिक मनाना अच्छा तो लगता ही होगा। तो आप लोग अपने परिवार के साथ कहाँ कहाँ घूमने गए हो? अरे वाह, मैं जानती थी हमारे छत्तीसगढ़ के जो पर्यटन स्थल हैं, जैसे तीरथगढ़, मैनपाट, चतमई घटारानी, झलमला, डोंगरगढ़, चंद्रहासनी, चित्रकूट जलप्रपात आदि, इन सब के बारे में आप जानते ही होंगे। बच्चों, आज हम ऐसे ही एक पर्यटन स्थल की सैर करेंगे, पाठ 17, चित्रकूट जलप्रपात। ऋचा और रजनीश छुट्टियों में बस्तर घूमने आए हैं। उनके मामा जगदलपुर में रहते हैं। मामा की बैठक कक्ष में चित्रकूट जलप्रपात का एक बहुत बड़ा चित्र टंगा था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, चित्रकूट जलप्रपात का चित्र दिख रहा है आपको भी। रजनीश ने मामा से पूछा, मामा जी, प्रपात का यह चित्र कहाँ का है? मामा ने कहा, अरे यह चित्र तो बस्तर के ही जलप्रपात का है। हम तुम्हें कल यह प्रपात दिखाने ले चलेंगे। दूसरे दिन मामा किराए की जीप लेकर आए। आप सब जीप देखे हैं ना? हाँ, सभी लोग तैयार होकर बैठे थे। जल्दी ही सब जीप में सवार हो गए। चित्रकूट जगदलपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। जीप एक घंटे में चित्रकूट पहुंच गई। जलप्रपात अब उनके सामने था। लगभग 30 मीटर यानी 100 फीट की ऊंचाई से इंद्रावती नदी यहाँ गिरती है। जलधारा यहाँ दूध की तरह दिखाई दे रही थी। चित्र में आप देखिए जो जलधारा है कैसे दूध की तरह सफेद दिखाई दे रहा है। नीचे जहाँ धारा गिर रही थी वहाँ से धुआं सा उठता दिखाई दे रहा था। पानी के गिरने से जो शोर हो रहा था वह संगीत का आनंद दे रहा था। हवा के कारण जल की नन्ही नन्ही बूंदे बड़ा आनंद दे रही थी। नन्ही नन्ही यानी छोटे छोटे बूंदे बड़ा आनंद दे रही थी। अब मामा के साथ सब लोग नीचे की तरफ आ गए। यहाँ से जलप्रपात और भी मनोरम लग रहा था। मनोरम का अर्थ है सुंदर, अच्छा। सभी लोग जाकर एक चट्टान पर बैठ गए। सबने वहीं बैठकर खाना खाया। वे सब बैठे बैठे प्रपात का आनंद ले रहे थे। चित्र में आप देख सकते हैं सभी बैठ के खाना खाने की तैयारी कर रहे हैं। आप सब भी बाहर जाते हैं तो एक साथ बैठकर खाना खाते हैं ना? हाँ। सूर्य अब अस्त होने ही वाला था। अस्त होने वाला था यानी सूर्य डूबने वाला था। चित्र में आप देखिए, मामा ने कहा, यहाँ से हटने का जी तो किसी का नहीं है, पर अब हमें चलना चाहिए। मामा की आज्ञा थी। सबने चलते चलते प्रपात को फिर देखा। अब वे सब जीप की ओर बढ़ रहे थे। चित्रकूट का दृश्य वे सब कभी न भूल पाएंगे। तो बच्चों, देखा आपने चित्रकूट जलप्रपात को? पढ़ने में ही इतना आनंद आया तो जाकर देखने में कितना आनंद आएगा। चलिए अब हम इस पाठ के कुछ अभ्यास कार्य को करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा प्रश्न पहला, सही उत्तर चुनकर लिखो। पहला है, चित्रकूट जलप्रपात जगदलपुर से कितनी दूर है? क में देखिए 10 किलोमीटर, ख 20 किलोमीटर, ग 30 किलोमीटर, घ 40 किलोमीटर। कितने किलोमीटर दूर है बताइए तो? हाँ, बहुत बढ़िया, 40 किलोमीटर दूर है चित्रकूट जलप्रपात जगदलपुर से। अब दूसरा देखिए, चित्रकूट किस नदी का जलप्रपात है? चित्रकूट कौन सी नदी पर बना है? देखिए, क में दिया है पैरी, ख में दिया है सोंढूर, ग में दिया है इंद्रावती और घ में महानदी। कौन से नदी का जलप्रपात है ये? इंद्रावती का। बहुत अच्छे। अब तीसरा देखिए, यहाँ पर मनोरम का क्या अर्थ है? क में देखिए जो दिखाई पड़ता है, ख बड़े बड़े पत्थर, ग छिप जाना, घ मन को अच्छा लगने वाला।
क्या होगा इसका उत्तर? मनोरम का क्या अर्थ है? मन को अच्छा लगने वाला। अब अगला देखिए, यह चित्र किसका है? इस चित्र को देखकर आपको बताना है यह किसका चित्र है। क समुद्र का, ख जलप्रपात का, ग नहर का, घ तालाब का। किसका चित्र है? जलप्रपात का। बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए, सूर्य अस्त होने वाला था। इस वाक्य का क्या अर्थ है? क सुबह होने वाली थी, ख शाम होने वाली थी, ग दोपहर होने वाली थी, घ दिन निकलने वाला था। क्या होगा इसका उत्तर? सूर्यास्त होने वाला था, उसका मतलब है शाम होने वाली थी। बहुत बढ़िया। अब देखिए प्रश्न दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है, सही शब्द चुनकर खाली जगह में भरो। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, अस्त, जलप्रपात, आनंद, मनोरम दृश्य। इन्हीं का उपयोग करके आपको खाली स्थान को भरना है। कमी देखिए, चित्रकूट का खाली स्थान उनकी आंखों के आगे था। क्या था? जलप्रपात। चित्रकूट का जलप्रपात उनकी आंखों के आगे था। बहुत बढ़िया। अब ख को देखिए, वहीं बैठे बैठे वे प्रपात का खाली स्थान ले रहे थे। क्या ले रहे थे? आप यहां से उत्तर देख के बता सकते हैं, आनंद ले रहे थे। बहुत अच्छे। अब ग में देखिए, सूर्य अब खाली स्थान होने ही वाला था। क्या होने वाला था? सूर्य अस्त होने वाला था। बहुत अच्छे। अब अगला अभ्यास कार्य देखिए, प्रश्न 3, इन शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द बताओ। उल्टे अर्थ वाले शब्द का मतलब है विलोम शब्द बताओ। शब्द है आपके पास दीन, ऊंचा, प्रश्न, गिरना, आना। तो अब यहाँ पर देखिए, इसका हमको विलोम शब्द बताना है, उल्टे अर्थ वाले शब्द बताना है। दिन, दिन का क्या होगा? दिन का उल्टा शब्द क्या होगा? रात। और ऊंचा शब्द का उल्टा अर्थ क्या होगा? ऊंचा शब्द का नीचा। बहुत अच्छे। प्रश्न, प्रश्न का उल्टा क्या हो जाएगा? उत्तर। और गिरना, गिरना शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? उठना। और आना शब्द, आना का क्या होगा? जाना। तो इस प्रकार से ये विलोम शब्द और उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं। ठीक है बच्चों, अब आपके लिए कुछ गृह कार्य के प्रश्न हैं। इसे आप अपने घर में अभ्यास कॉपी में बनाएंगे। यहाँ पर देखिए, प्रश्न पहला है आपके लिए, मामा शब्द को उल्टा लिखने पर मामा ही बनता है। काका शब्द को उल्टा लिखने पर काका ही बनता है। ऐसे ही दूसरे शब्द बनाओ। और उसके बाद दूसरा प्रश्न है, अगर तुम कहीं घूमने या पिकनिक मनाने गए थे, उसके बारे में 5 लाइन लिखो। आप कहीं भी गए थे अपने मम्मी पापा के साथ, भाई बहन के साथ घूमने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए, तो उसके बारे में आप 5 लाइन लिखेंगे। और प्रश्न तीसरा है, झरने का चित्र बनाओ। आप अपनी कॉपी में झरने का चित्र बनाइए और उसमें रंग भी भर सकते हैं आप अपनी इच्छा के अनुसार। ठीक है बच्चों, ये गृह कार्य आप बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगली कक्षा में मिलते हैं। नमस्ते।